तो देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लिया है। यहाँ पे एक आजाम और इसके अंदर हम डालेंगे ये वनीला आइसक्रीम का स्कूप। तो देख ली हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द डिम्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, जिसे मार्केट में आप झमाझम शेक के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, दूध होता है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसमें आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताते हूँ इसे हमने घर पर किस तरीके से तैयार किया है। तो देखिए, हम इसमें लेंगे ठंडा दूध। यहाँ पर हम 5 गिलास दूध ले रहे हैं, जो कि 5 लोगों के लिए बनेगा। और 5 लोगों के लिए बनने वाले जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं इसमें, यहाँ पे हमने लिया है इतने अंजीर, बादाम, पिस्ता, काजू और पाउडर्ड शुगर। इनको हम अभी मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे, बादाम को और काजू को, और अंजीर को हम या तो चाकू या कैंची की हेल्प से इसको कट करेंगे। पिस्ता ऑलरेडी क्रश्ड है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लिया है, हल्का दरदरा पीस लिया है। ये काजू है, इसको हमने इतना क्रश किया है। बादाम है, ये अंजीर को पहले हमने थोड़ा सा काट लिया था, उसके बाद इसको मिक्सी में ही इस तरीके से हल्का दरदरा कर लिया है। और ये पिस्ता है, तो ये अब हम जार में डाल देते हैं। अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं, हम इसमें 5 गिलास दूध डालेंगे। तो देखिए, हमने इसमें तक दूध डाल लिया है। आप दूध अपने हिसाब से ऐड और लेस कर सकते हैं, जितना भी आपको शेक बनाना है। आप 5 की क्वांटिटी 3 भी कर सकते हैं या 4 भी कर सकते हैं। तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। ये डाल दिया हमने पिस्ता, अंजीर डाल दी, बादाम डाल दी, ये काजू डाल दी, और ये जो पाउडर्ड शुगर हमने करके रखी है वो डाल दी। यहाँ पे हमने जो आइस होती है उसको भी क्रश करके रखा है, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी में। तो देखिए, ये हमारा झमाझम शेक बनके रेडी है। अब हम इसको ग्लासेस में पोर कर लेते हैं, के ऊपर आइसक्रीम का एक स्कूप डालेंगे। तो देखिए, हमने आइसक्रीम का स्कूप डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने क्रश कर रखे हैं, और इस ग्लास को हम पूरा फुल कर लेते हैं शेक डाल के। और थोड़ा सा इसको गार्निश करने के लिए फिर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डालते। देखिए, हमारा झमाझम शेक बन के रेडी है, जो कि बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और ये काफ़ी हैवी होता है। तो देखिए, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और बहुत ही यमी है। आपको ये आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।